बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय के परिसर में आज राजद द्वारा पार्टी के 23वें स्थापना दिवस पर जिले की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। कैमूर राजद के नेताओं ने मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हुए सैकड़ों बच्चों की मौत पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया। वहीं जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार की नाकामयाबी बताई। कैमूर लाइव न्यूज से देखिए बंटी जसवाल की एक रिपोर्ट। सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में जो बच्चे मरे हैं उसकी सीबीआई जांच हो, जो भी सरकारी अधिकारी हो उन्हें जांच कर टारगेट बनाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहली मांग हम लोगों की ये है। और दूसरी मांग किसानों की समस्याओं को लेकर है कि यहाँ तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, किसी को न कोई अनुदान मिल रहा है न कुछ मिला है। सभी प्रखंड के लोग घुमा के कैमरा देख लीजिए, लाइन पे लाइन लगी है, कोई व्यवस्था नहीं है। यही राष्ट्रीय जनता दल की मांग है। और पेयजल की समस्या है, पानी का भारी संकट है हमारे प्रखंड में। मुझे उम्मीद है कि 300 से ज़्यादा हैंडपाइप बंद हो गए हैं। सभी गरीब किसान मजदूर लोग परेशान हैं। कोई हैंडपाइप से पानी लाता है दूसरे के, कोई तीसरे के समरसेबुल से लाता है। बहुत बड़ी समस्या है। आज समाजवाद दी आंदोलन की कोख से जन्मी राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, 23वां स्थापना दिवस है। 5 जुलाई 1997 को इस पार्टी का गठन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। आज हालांकि हर वर्ष पार्टी जो है स्थापना दिवस समारोह मनाती है, लेकिन इस बार पार्टी ने निर्णय किया है कि बिहार में और देश में इतनी समस्याएं हैं कि हम समारोह न मनाकर इन समस्याओं को लेकर एक आंदोलन करेंगे। हर प्रखंड मुख्यालय पर, बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे अभी बिहार में वर्तमान में चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में सैकड़ों बच्चे मर गए। आपके रिपोर्टर और आपके तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया कि वहां के अस्पतालों की व्यवस्था बदतर स्थिति है, बेड नहीं है, एक एक बेड पर 5-5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। 14 साल से सुशासन बाबू जो सुशासन का ढोल पीटते हैं वो पोल खुलती नजर आई, सारे लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ ब्लॉक पे, अंचल पे और थाना पे दलालों का अड्डा हो चुका है। आप रसीद कटवाने जाइए, दाखिल खारिज कराने जाइए या कोई भी काम हो आपका, बिना पैसे के एक काम नहीं होने वाला है इस सुशासन बाबू के सरकार में। अफसरशाही चरम पर है और किसानों के लिए तो ये सरकार इतनी बड़ी आत्मघाती है कि अभी आप देखिए, हम लोग की जब सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की आदरणीय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और जगदानंद सिंह की जब सरकार थी तो हम लोगों के क्षेत्र में नहरों में रोहिणी नक्षत्र में पानी आ जाता था। अभी आपका जुलाई चल रहा है, सावन आने वाला है, लेकिन एक बूंद भी नहरों में पानी अभी तक नहीं आया। सोचिए किसानों की क्या स्थिति होगी इन तमाम मुद्दों को लेकर। बाकी पेयजल का संकट आप देख रहे हैं, भूजल इतना नीचे चला गया है, तमाम चापाकल बंद हो गए हैं, नलकूपों की स्थिति बदतर है। लगभग 70% नलकूप जो ट्यूबवेल है वो बंद है जिले में। इन सभी मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन कर रही है, धरने पर बैठी और आगे भी आंदोलन।